दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जंग छिड़ी है। ये जंग है कारोबार की, यानी ट्रेड वॉर। और ट्रेड वॉर के उलझन में फंसे अमेरिका और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। इस तनातनी में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों देश धमकी भरे लहजे में एक दूसरे को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते। और इसी तर्ज पर अमेरिका ने एक बार फिर चीन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। अमेरिका ने खुलेआम चीन को धमकी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जापान में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में उनसे मुलाकात नहीं करेंगे तो वो $300 अरब मूल्य के चीन के उत्पादों पर आयात शुल्क लगा देंगे। We always have the option to raise it another $300 billion at 25%, and the 25% could be much higher than 25%, but Roger Penske said that's enough. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस चेतावनी के बाद चीन कहां पीछे रहने वाला था? सुनिए कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप को क्या जवाब दिया।如果美方执意要升级贸易摩擦，我们会坚决应对，奉陪到底。व्यापार के इस युद्ध में अमेरिका और चीन के व्यापारिक रिश्ते कमजोर तो हुए ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो ये कि जिस तरह दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर हैं, उससे युद्ध की आहट पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है, जिससे हर एक मुल्क बेचैन है।